बागेश्वर धाम की, पाली स्थान की, राघवेंद्र सरकार की, जय हनुमान जी की, जय सीताराम, जय हनुमान। हर कोई के अभी से अच्छा लग रहा है, उनके आने पर कितना अच्छा लगेगा वो तो चरण सीमा। जब नहीं आए, आने की बात है तब इतना उत्साह है, जब आ जाएंगे तब क्या, तब इतना। तो क्या आंकड़ा है, कितने अनुमानित लोग यहाँ पर आने का संभावना? जैसा कि हर प्रदेश में सुनते हैं कि 3 लाख 4 लाख भीड़ उनकी जुटती है एक दिन में, तो क्या बिहार में कम जुटेगी? यहाँ का बिहार का संख्या कम है, सनातन धर्मावलंबियों की तो संख्या यहाँ ज्यादा है। यह बिहार तो बराबर अतीत से ही गौरवशाली धर्म के प्रति जागरूक रही है। पूरे बिहार भर से 16 रूट है, आप चारों दिशा से आ सकते हैं। अच्छा, चारों दिशाओं से अरे हैं, इसके चारों दिशा बड़े बड़े रोड हैं। बाबा आ रहे हैं, मतलब बहुत खुशी की बात है। और नवतपुर की धरती पवित्र हो जाएगी, ऐसे भी पवित्र। तरियत पाली जो स्थान है बहुत पुराना स्थान है। स्वास्थ्य का व्यवस्था है, लंगर का व्यवस्था है, माने खाने पीने का, कम से कम 10-15 हजार गाड़ी का पार्किंग का व्यवस्था है। अच्छा, 10-15 हजार, ज्यादा भी 20 हजार भी आएगा तो दिक्कत नहीं है। 20-25 हजार गाड़ी भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पटना, चूंकि पटना से ही कोई भी आदमी अगर आएंगे तो पहले पटना ही उतरेंगे, तो पटना से यहाँ कैसे पहुँचा जाए? यहाँ लोगों को बैठने के लिए लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल की व्यवस्था है, जिसमें 3 लाख से 3 लाख स्क्वायर फीट, हाँ, यानी कि 3 लाख आदमी एक साथ बैठ के कथा सुन सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज और पब्लिक प्रोल पॉइंट्स और सीसीएन न्यूज 24 देख रहे हैं। इस वक्त फिलहाल हम उस जगह पर हैं जहां पर बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का आगमन होने वाला है और पटना की इसी धरती पर उनका आगमन होगा। यह जगह का नाम तेरत पाली मठ है और इसी जगह पर धीरेन्द्र शास्त्री जी यहाँ पर आएंगे और पटना के पावन धरती पर यहीं पर उनका आगमन होगा। देख सकते हैं वहाँ पर तैयारियाँ चल रही है, वहाँ पर पंडाल की तैयारियाँ शुरू हो चुकी है, बांस गिर रहे हैं। और ये पूरा जो आपको स्पेस दिख रहा है खाली, जो पूरा जगह दिख रहा है, यह वही जगह है जहाँ पर बाबा आएंगे और यहाँ पर जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो लोग काम में भी लगे हुए हैं। काफी लोग एक्टिव भी हैं, यहाँ पर काम भी किया जा रहा है जोर शोर से, लोग वहाँ पर बांस गिराया जा रहा है और सफाई अभी तक चल रहा है इस पूरे जगह पर, इस पूरे, और देख सकते हैं दूर दूर तक आपको जहाँ पर खाली जगह दिख रहा है, यह पूरा एरिया बाबा के आगमन के लिए ही, बाबा के जो बाबा का दरबार लगेगा उसके लिए ही इसको तैयार किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं सामने मंदिर भी है और इसी मंदिर के जस्ट सामने में यह जो जगह है यहीं पर इनका आगमन होगा। और यहाँ पर काफ़ी संख्या में युवा भी मौजूद हैं, बाबा के जो भक्त हैं, बाबा के जो कह सकते हैं उनके जो सहयोगी हैं, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे भी हम लोग बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके आने का क्या क्या आयोजन, क्या क्या प्रोग्राम रखा जाएगा और क्या क्या प्रोग्राम की तैयारी की जा रही है। सर, अभी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, उनका आगमन हमारे पटना यानी हमारे बिहार के पावन धरती पर हो रहा है, तो क्या क्या व्यवस्था की जा रही है? बहुत सारा व्यवस्था है, यहाँ लोगों को बैठने के लिए लगभग 3 लाख स्क्वायर फीट में पंडाल की व्यवस्था है, जिसमें 3 लाख से 3 लाख स्क्वायर फीट, हाँ, यानी कि 3 लाख आदमी एक साथ बैठ के कथा सुन सकता है। अच्छा। स्वास्थ्य का व्यवस्था है, लंगर का व्यवस्था है, माने खाने पीने का, कम से कम 10-15 हजार गाड़ी का पार्किंग का व्यवस्था है। अच्छा, 10-15 हजार, ज्यादा भी 20 हजार भी आएगा तो दिक्कत नहीं है। 20-25 हजार गाड़ी भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4-5 हजार बीघा भूमि यहाँ पर प्रति रखा गया है और सभी जगह डाइवर्सन बनाया जा रहा है रास्ता को, मतलब ताकि गाड़ी को पार्क किया जाए। जो लोग पटना, चूंकि पटना से ही कोई भी आदमी अगर आएंगे तो पहले पटना ही उतरेंगे, तो पटना से यहाँ कैसे पहुँचा जाए? पटना से जो देखिए, जो उत्तर बिहार के जितने भी लोग हैं उनके लिए जेपी सेतु पुल है, जेपी सेतु से आ जाएंगे वो सीधे एम्स के पास और एम्स से अपना ये नहर रोड धर के आएंगे और ये हमारा स्थान के पीछे से डूल जाएंगे वहाँ से। मतलब कितने रूट तैयार किया गया, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि हर रूट है यहाँ पर जहाँ हम लोग अभी खड़ा हैं, यहाँ आने के लिए पूरे बिहार भर से 16 रूट है, आप चारों दिशा से आ सकते हैं। अच्छा, चारों दिशाओं से अरे हैं, इसके चारों दिशा बड़े बड़े रोड हैं। इधर देखिए आपके सामने से 77 हो गया बेटा सर मेरा, ये नहर रोड हो गया, उसके बाद लगले 139 हो गया, फिर उधर नहर रोड हो गया, फिर NH98 हो गया, ऐसे माने यहाँ पर रोड का कमी नहीं है। जो लोग पटना से निकलेंगे और कहेंगे हमें नौबतपुर जाना है, तो नौबतपुर के बाद कैसे यहाँ पहुँचेंगे? नौबतपुर यहाँ पर आएंगे, बैनर लगा हुआ है, वहीं से उनको ढूल जाना है। पूरा इंडिकेट क्या व्यवस्था, सभी जगह पर वॉलंटियर का व्यवस्था रहेगा, जो व्यक्ति को थोड़ा सा भी लगेगा कि नहीं अब हम रास्ता गड़बड़ा रहे हैं, उनको वॉलंटियर माने गाइड करेगा और सुरक्षित वह यहाँ तक उनको पहुँचाया जाएगा। अच्छा, बाबा यहाँ पर आ रहे हैं तो क्या कैसा माहौल है यहाँ के, चूंकि यहाँ के पूरा पटना तो पूरा मतलब मग्न हो चुका
चुका है इस बात को लेकर के कि बाबा बिहार के धरती पर आ रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? चूंकि आप यहाँ के वासी हैं, आप यहाँ के ग्रामीण हैं, तो कितना उत्साह यहाँ के ग्रामीणों में? बहुत सारा, बहुत उत्साह है यहाँ पे, बाबा आ रहे हैं मतलब बहुत खुशी की बात है। और नवतपुर की धरती, नवतपुर की धरती पवित्र हो जाएगी, ऐसे भी पवित्र। तरियतपाली जो स्थान है बहुत पुराना स्थान है, वहाँ बाबा खुद आ रहे हैं, मतलब खींचे चले आए। बहुत पुराना स्थान, यहाँ बहुत सारा जग भी हो चुका है, पहले भी हो चुका है, बहुत जग हो चुका है। 2012 में ही जग हो चुके हैं, उसमें भी 10 लाख आदमी संख्या जुटे थे यहाँ। 10 लाख? 10 लाख संख्या जुटे थे, पूरा गांव लोग मिल के उसको। मतलब यह जो धरती है पहले से ही इतने लोग यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं। हाँ, हाँ, हमारा जो ये मठ है तरियतपाली का, इस मठ का 7 लाख अनुयायी हैं, 7 लाख शिष्य है इनका। जब कभी कोई फंक्शन होता है तो वो 7 लाख यहाँ पर आते हैं। और इस बार तो बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं, तो सोचिए कि कितने लोग आएंगे। लेकिन सब तरह से सारा व्यवस्था किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का सभी लोग एकदम पूरे उत्साह से देख रेख में लगे हुए हैं, और बाबा का फाउंडेशन जो है वो भी अपना। चतुर्मासा 4 महीने के लिए जग हुआ था यहाँ, 4 महीने का लगातार महीने के लिए लगता है जग हुआ था 2012 में। अच्छा, कुछ युवा हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, आगे आइएगा भैया। कैसा कैसा माहौल है आपके गांव का? बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है कि बाबा हमारे बिहार के धरती पर पटना में आगमन उनका हो रहा है? जीवन धन हो गया है। अच्छा, जीवन धन्य हो गया। हाँ। अच्छा, पर्चा कटता है तो पर्चा के अर्जी लगा रहे हैं आप लोग भी? हाँ लगवाएंगे। हाँ जरूर। भैया जी, आप लोग यहीं के यहाँ के वासी हैं? हाँ, हम यहीं के वासी हैं। कैसा लग रहा है बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी का पटना में आगमन हो रहा है? बहुत खुशी की बात है, यह आया है मौका नया ऊपर, इंसान के लिए बहुत खुशी की बात है, और ऐसा होना चाहिए। इस जगह पे आए हैं तो अच्छा लगेगा, हर कोई के अभी से अच्छा लग रहा है, उनके आने पर कितना अच्छा लगेगा वो तो चरण सीमा। जब नहीं आए, आने की बात है तब इतना उत्साह है, जब आ जाएंगे तब क्या होगा? तब इतना खुशी होगा कि आदमी को तब तो कहने का सवाल ही नहीं है। आ जाने के बाद तो खुद, आने के बाद तो सारा व्यवस्था आप खुद देख लीजिएगा। अभी तो नहीं आए हुए इसलिए पूछ रहे हैं आप भी, और हम लोग भी बता रहे हैं। लेकिन जब बाबा आ ही जाएंगे तो सारा चीज संचालित रूप से, माने सुचारू ढंग से शुरू हो जाएगा। आप भी देखिएगा, आनंद उठाइएगा कथा का। अच्छा सर, आप भी यहाँ के वासी हैं? हाँ जी। तो ऐसा लग रहा है चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बागेश्वर धाम वाले बाबा हैं, अब बिहार में उनका आगमन हो रहा है, काफी सुर्खियों में बने हुए हैं लगातार, और काफी लोग उत्साहित भी हैं इसको लेकर के कि बाबा हमारे बिहार में आ रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत खुशी है इस बात का कि हमारे धरती पर उनका आगमन हो रहा है। हाँ, बिहार के धरती पर। हाँ हाँ। और कहा जा रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो कि बाबा हैं, अर्जियां भी लगती हैं उनके पास, तो क्या आप लोग भी वहाँ नंबर लगा के बैठेंगे? जरूर जरूर। हाँ। अर्जी लगाएंगे। हाँ, इतना बड़ा जगह है, क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर होने वाली है? बहुत सारी व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था के यहाँ कोई कमी नहीं है। हाँ, कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोग प्रतिदिन लोग आएंगे, उसके लिए तैयारी किया जा रहा है। सारा व्यवस्था है यहाँ, सारा तैयारी है। हाँ। किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा। और यहाँ के ग्रामीणों में कितना उत्साह? बहुत भारी उत्साह है। हाँ। बहुत भारी। अच्छा। हाँ। और देखिए यहाँ पर एक चाचा जी भी, इनसे भी बातचीत करते हैं। अच्छा सर, आप भी यहाँ के ग्रामीण हैं? हाँ, तो ग्रामीण। अच्छा, तो कैसा लग रहा है चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम वाले बाबा हमारे बिहार के धरती पर उनका आगमन हो रहा है, तो कैसा लग रहा है? देखिए, जब भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है तो उससे आम लोगों में संस्कार की जागृति होती है, तो ये अच्छा लग रहा है कि बाबा के आने से लोगों को कुछ टॉपिक्स मिलेगा कि कैसे हमको चलना चाहिए जीवन में सभ्य आदमी बनने के लिए। अच्छा, तो कहा जा रहा है कि इतने ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे चूंकि बहुत बड़े बाबा बागेश्वर धाम, लोग ट्रेन में भीड़ लगा लगा करके 2-2 दिन 10-10 दिन तक धक्के खा करके तब उनके पास पहुंचते हैं, और आज और कुछ दिन में बाबा खुद बिहार में लोगों के पास आएंगे, और यहाँ के जो लोग होंगे उनको आसानी से मिलने का मौका मिलेगा, तो क्या लगता है कि कितने संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं? उनमें कहीं ना कहीं कोई आकृति तो है कि राजनीतिक दल बहुत प्रचार करते हैं तो 1,500, 2,000, 10,000 की भीड़ जुटती है, और एक धर्माचार्य सनातन धर्म के लिए जब आ रहे हैं तो लोगों में उत्सुकता है, और बिना पैसा खर्च किए हुए लोग जुटने के लिए लालायित है, उनको देखने के लिए लालायित है। तो क्या कितने संख्या में लगभग लोग आएंगे, क्या आंकड़ा है आप लोगों का? चूंकि आप लोग यहाँ का मैनेजमेंट देख रहे हैं, तो क्या आंकड़ा है, कितने अनुमानित लोग यहाँ पर आने का संभावना? जैसा कि हर प्रदेश में सुनते हैं कि 3 लाख 4 लाख भीड़ उनकी जुटती है एक दिन में, तो क्या बिहार में कम जुटेगी? यहाँ का बिहार का संख्या कम है, सनातन धर्मावलंबियों की तो संख्या यहाँ ज़्यादा है। यह बिहार तो बराबर अतीत से ही गौरवशाली धर्म के प्रति जागरूक रही है, नालंदा का बिहार, वैशाली का बिहार,
आखिर में क्या कहना चाहेंगे उन भक्तों को, चूंकि जो लोग अभी भी नहीं जान रहे, चूंकि अब तो सबको ही लगभग जान चुके हैं कि बाबा हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन जो नहीं जान रहे उनको क्या कहना चाहेंगे? जान जाएगा लोग ऑटोमेटिक, जानने के लिए प्रचार करने, नहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं, प्रचार खुद हो रहा है, खुद हो रहा है, एक दूसरे से लोग जो है से घुनाते चला जा रहे हैं। बाबा का प्रचार ना, वोट का प्रचार नहीं ना, सब खुद पता चलता, खुद पता, वोट वाला पता नहीं चलता, वोट वाला पता चलता है लेट से, लेट से। चलिए, बाकी भक्त वाला काम ना है सब। आखिर में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अब हम लोग तो यही कहेंगे कि जितने भी आगंतुक लोग रहेंगे सबके स्वागत में हम लोग खड़े रहेंगे। हम लोग चाहेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग आए और बाबा का कथा का आनंद उठाए। बागेश्वर धाम की, पाली स्थान की, राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी की जय, सीताराम जय, हनुमान। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है, चूंकि यह जो जगह है ये यहीं पे बाबा बागेश्वर धाम वाले बाबा का आगमन होगा। और देख सकते हैं यहाँ पर यह जो पूरा आपको एरिया दिख रहा है, कहा जा रहा है 3 लाख स्क्वायर फीट, 3 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ पर यह जगह है। यहाँ पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, यहीं पर उनका दरबार भी लगेगा। और सामने आप देख सकते हैं उस तरफ मंदिर भी है, और इसी के सामने वाला जो जगह है यहीं पे बाबा का दरबार लगने वाला है। चलिए, आप लोगों से भी निवेदन रहेगा एक बार यहाँ पर आकर, अगर आपको नहीं पता है कैसे आया जाए तो यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन सा रूट से आपको आना है। और चूंकि 16 रास्ता को तैयार किया गया है, और 16 रास्ते के माध्यम से आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। अगर आपको और भी कोई सवाल हो या आपको कुछ और भी जानने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि और भी जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।